गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद एक्सरसाइज हाउ टू मेक इम्परेटिव सेंटेंस। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। दोज सेंटेंसेस विच हैव ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जिसकी जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि यदि किसी वाक्य में कोई आज्ञा या आदेश, निवेदन या प्रार्थना, सलाह या परामर्श बताई जाती है तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने इसको आपको बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर था इम्परेटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य में वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम, आई, यू, बी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ही, सी, इट और जो नेम होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब जो होता है किसी कार्य के, किसी जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, दोज वर्ड विच शो एनी एक्शन आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो मैंने बताया था आपको कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें सब्जेक्ट होता नहीं है, और यदि होता भी है तो हम मानते हैं कि यू होता है। और मैंने आपको बताया था कि इनके पहले हम प्लीज भी लगा सकते हैं, प्लीज लगा करके बना सकते हैं, ऑलवेज लगा करके हम इम्परेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो इन्हीं सेंटेंसेस को पे आधारित आज मैं एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जिसमें 10 से 12 सेंटेंस आपके एक्सरसाइज के लिए है। ये एग्जाम्पल हैं, आप इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज, पहला लिखा हुआ है, आप अपनी जबान को लगाम लगाइए, लगाम दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं और जबान को लगाम देने को बोलते हैं होल्ड योर टंग। जबान को टंग बोलते हैं, यू होल्ड योर टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग। आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। दूसरा जो सेंटेंस था, तुरंत यहाँ आओ, इसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको वर्ब से शुरू करते हैं। आना वर्ब है तो इसको बोलेंगे कम, और यहाँ को बोलते हैं कम हियर, और तुरंत को बोलते हैं एट वंस, एट वंस। यू कम कम हियर एट वंस। यदि यही होता कि आप यहाँ तुरंत आओ, यू कम हियर एट वंस, कृपया, यदि यही होता कृपया तुरंत यहाँ आओ तो प्लीज कम हियर एट वंस, हमेशा यहाँ आओ, ऑलवेज कम हियर। तो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। दूसरा लिखा हुआ है, परेशानियों का सामना करिए। सामना करने को इंग्लिश में बोलते हैं फेस, और परेशानी को बोलते हैं प्रॉब्लम। तो इसका हो जाएगा फेस द प्रॉब्लम्स, फेस द प्रॉब्लम्स। यदि यही सेंटेंस होता, हमेशा परेशानियों का सामना करिए, ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम, यदि यही होता कृपया परेशानियों का सामना करिए, प्लीज फेस द प्रॉब्लम्स। इस प्रकार से आप परेशानियों का सामना करिए, यू फेस द प्रॉब्लम्स। आप यहाँ पे यू भी कर सकते थे, प्लीज भी कर सकते थे, और ऑलवेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, आप संगीत का आनंद लीजिए। तो इसको यू से करेंगे यू, और आनंद लेने के लिए बोलते हैं एंजॉय, यू एंजॉय द म्यूजिक, यू एंजॉय द म्यूजिक। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस का, आप हमेशा संगीत का आनंद लीजिए, यू ऑलवेज एंजॉय द म्यूजिक, कृपया आप संगीत का आनंद लीजिए, प्लीज यू एंजॉय द म्यूजिक, आप उसे भूल जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस है भूल जाना, यानी कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से होते हैं वो होते हैं वर्ब होते हैं, तो आपके लिए हो जाएगा यू, और भूलने को बोलते हैं फॉरगेट, यू फॉरगेट, और उसे को हिम, यदि लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर।
him is used for masculine gender and her is used for feminine gender. इस प्रकार से you forget him or her. गीले कपड़ों को धूप में डाल दो. तो यहाँ पे एक नया सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे पुट करते हैं. PUT पुट, पुट मतलब डालना. पुट और गीले कपड़ों को बोलते हैं वेट क्लॉथ्स. पुट वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट. पुट वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट. यहाँ पे पुट मतलब डालना और गीले कपड़ों को वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश में या धूप में. आप इसे हिलाइए, नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ था, आप इसे हिलाइए. तो सब्जेक्ट है आप, यू, हिलाना एक वर्ब है, इसको बोलते हैं शेक. यू शेक इट, यू शेक इट, आप इसे हिलाइए. तो इस प्रकार से बना सकते हैं. फिर लिखा है इसे अच्छी तरह से पीसिए. यहाँ पे वर्ब क्या है, पीसना. पीसने को बोलते हैं ग्राइंड. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा ग्राइंड इट. अच्छी तरह से ग्राइंड इट प्रॉपरली, प्रॉपरली. इस प्रकार से हमेशा जागरूक रहिए. मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि ऑलवेज से कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तो इसको ऑलवेज से कहेंगे ऑलवेज. और रहने के लिए बी लगाते हैं, ऑलवेज बी अवेयर. Always be aware, हमेशा खुश रहो. यहाँ पे भी रहने के लिए be का यूज करते हैं. Be मतलब रहना या होना. तो always, always be happy, always be happy. ईमानदार और जिम्मेदार बनो. ईमानदार को इंग्लिश में बोलते हैं honest और जिम्मेदार को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल. तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल. बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल. कृपया उसे सलाह दीजिए. तो इसमें कृपया से लिखा हुआ है, तो प्लीज से बना सकते हैं प्लीज. एडवाइस मतलब सलाह देना, प्लीज एडवाइस. सो इन दिस वे दीज आर द 12 सेंटेंसेस एग्जांपल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस. हाउ कैन यू मेक इम्परेटिव सेंटेंस और हाउ कैन यू ट्रांसलेट इट. यू व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन से. इस प्रकार से आप वाक्यों को हम डेली लाइफ में, मैंने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि या तो हम किसी को सलाह देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर करते हैं. तो इन इस प्रकार से इन सेंटेंस का बार बार हम ट्रांसलेशन कर मतलब यूज कर सकते हैं. डायरेक्टली रूप से देर हम इनका बिगनिंग में या बोलने के स्पीकिंग के लिए ये बहुत अच्छे सेंटेंस होते हैं. बिना ट्रांसलेशन के आप इनको डायरेक्ट बोल सकते हैं. यू होल्ड योर टंग, आप अपनी जबान को लगाम दीजिए. यू कम हियर एट वंस, तुरंत यहाँ आइए. फेस द प्रॉब्लम्स, और इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार से आप मोबाइल से घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके. और इनको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घर बैठे इंग्लिश सीखिए. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.